किशोर चौरसिया जी, मुझे लग रहा है पहले तो जवाब आप ही दीजिए। वो कह रहे हैं बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, खाली बदनाम करने की कोशिश में लगी रहती है, थोड़ा समय दीजिए, काम करके दिखाएंगे बिहार में, ये दावा कर रहे हैं। देखो ये सब देखिए ऐसा भाषा तो हम नहीं बोल सकते, इनके पिताजी भी ऐसे ही जुमले बोलते थे, वो स्तर हम लोग का नहीं है, इनका भी यही धंधा हो गया। तो अगर मैं तो कहूंगा कि इससे आगे निकलिए, और कहीं तेजस्वी जी याद रखिएगा, कहीं उस समय बिहार जो था 15 साल पहले, कि सड़क गड्ढे में है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता नहीं चलता था। गांव में बिजली नहीं थी, अपराध चरम पर था, अपहरण उद्योग का दर्जा मिल चुका था बिहार को। आप इससे बिहार को बचाइए, हमें खतरा तो ये है। एक दिन में आपने जो कर दिया, शोरूम लूटे, आपको याद है लालू यादव जी के बड़ी बेटी के समय कैसे शोरूम लूटे गए थे, कैसे कुर्सियां लूटी गई थी, कैसे बेड लूटे गए थे, कैसे सोने के दुकान लूटे गए थे जबरदस्ती सरकार के लोगों के द्वारा। आज वही हो रहा है। देखिए पटना में, छपरा में क्या हुआ, किसान गोली मार दी गई है, इसमें सब कहेंगे भाजपा का संलिप्तता है। अरे अपनी नाकामियां आज से शुरू हो गया। मैं वही आपसे आग्रह कर रहा हूं इन लोगों से कि बिहार के विकास के बारे में सोचिए। संलिप्तता खुल करके, अरे शक्ति जी मैं बड़े संदिग्ध से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए एक मिनट। आप हमारे अच्छे मित्र हैं, विधायक रहे हमारे साथ, संजीदगी से बोल रहा हूँ। नीतीश जी को चिंता नहीं है, वो सही बात है, वो उनकी नजर दिल्ली पर रहेगी, मिलना कुछ नहीं है, बदनाम आप होंगे, जो भी कुकर्म होगा बदनाम आप होंगे, वो सब आपके मथे मरा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आगे मैं ये भी बता देता हूँ, अरे रामेश्वर चौरसिया जी, बीजेपी भी तो आरजेडी को ही घेर रही है, वो कहाँ घेर रही है नीतीश कुमार को, बीजेपी भी तो बार बार जंगल राज रिटर्न, यहाँ अपराध वहाँ अपराध, उस पर आप लोग बीजेपी को आरजेडी को ही घेर रहे हैं, ये बात तो देश के सामने है। चित्रा जी, नीतीश जी को क्या घेर रहा है? एक मिनट, नीतीश जी तो अपने पार्टी का विसर्जन कर दिए राजद में, नीतीश जी को मालूम है उनके बाद पार्टी का कोई अस्तित्व तो नहीं रहने वाला है। कोशिश की जदयू को, लेकिन जदयू विसर्जन हो गया सतीश यादव जी के साथ। चले ठीक है, अब थोड़ा चर्चा में आगे बढ़ते हुए अजय उपाध्याय जी आपको मैं लेकर आऊंगी, और उसके बाद ठीक है अब बाकी मेहमानों से भी जल्दी जल्दी टिप्पणी ले ले, एलजेपी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी नेता भी हमारे साथ, सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं जेडीयू से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हुए मिश्रा जी, अब तो रामेश्वर चौरसिया कह रहे हैं कि विसर्जन ही कर दिया है आरजेडी के भीतर जेडीयू को ले जाकर नीतीश कुमार ने, क्या होगी इस पर आपकी टिप्पणी? और महत्वाकांक्षा उनकी जाग गई है नीतीश कुमार की, 2024 पर नजर है, वो भी तब जब आपकी 43 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में, आपको लग रहा है कि विपक्षी साझा उम्मीदवार बन जाएंगे 24 के लिए नीतीश कुमार? देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, जो चौरसिया जी कह रहे हैं उस पर मैं सिर्फ एक टिप्पणी ये करना चाहूंगा कि बिहार में जो सुशासन है पहले तो वो कायम रहेगा, दूसरा जो ये 7 पार्टियों का एक महान गठबंधन बना है जिसको महागठबंधन कह रहे हैं, उस पे जो ऐतिहासिक हस्ताक्षर हुआ है नीतीश कुमार जी की मूल्यों का, वो मूल्य 2024 तक आपको देश की राजनीति में परिलक्षित होता हुआ दिखेगा। देश की हालात ये है कि महंगाई चरम सीमा पर है, दूसरी हालात ये है कि आप अग्निवीर बनाने के लिए निकलते हैं और वो वीर ही आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, 3 लाख लोगों को रोजगार केंद्र सरकार ने नहीं दिया लेकिन बिहार की रोजगार पर आप बात करना शुरू करते हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर देश की तमाम विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि मौजूदा हालात की चुनौतियों को स्वीकार करें, और नीतीश कुमार उसमें सबसे महान मूल्यों के नेता हैं, और नीतीश कुमार की 40 साल की राजनीतिक जीवन में जनसेवा की भावना ही देखी गई, इसलिए राष्ट्र उनकी प्रतीक्षा करे और राष्ट्र के तमाम मूल्यवान जो भी गठबंधन में इस सहभागी बनेंगे वो आपको 2024 में उसका जरूर कुछ न कुछ ऐसा दिखेगा जिससे देश की राजनीति बदलेगी। राहुल को हटाकर नीतीश कुमार को आगे कर दिया जाए, तैयार होगी उनकी पार्टी? नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी ने जहां तक प्रधानमंत्री शब्द का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने उसके दावेदारी को जरूर नहीं रखा है, लेकिन ऐसा कोई गुण नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए हो वो नीतीश कुमार जी में नहीं है। 40 साल की सुचितापूर्ण राजनीति में एक बेदाग चेहरा भारत में नीतीश कुमार हैं, सांप्रदायिक सद्भाव का चेहरा नीतीश कुमार हैं। 2013 में भी तो महत्वाकांक्षा जागी थी, 14 में क्या हुआ सत्य प्रकाश मिश्रा जी? 11.3 14 की स्थितियां भिन्न थी
और आज हम 2022 में बात कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए चित्रा जी कि देश जिस हालात में गुजर रहा है, जहां समाज, जहां संवैधानिक संस्थाओं के विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हुआ है, जहां सरकारें और सत्ताधारी समाज विपक्ष को नेस्त नाबूद करने पे तुला है, उस चुनौती को माननीय नेता नीतीश कुमार ने स्वीकार किया है, ये अदम्य साहस की बात है। लोकतंत्र इससे सिंचित होगा, लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। और एक बात हमेशा मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, नीतीश कुमार कर उधर से ले लेना, ये साहस है क्या? विपक्ष ये साहस है क्या? को सत्य प्रकाश के दोनों ओर ही कुर्सी तैयार है, इधर जाएंगे तो भी उधर जाएंगे तो बिल्कुल ये साहस का काम है। सामाजिक बात, सवाल कुर्सी का नहीं, सवाल मूल्यों का है। नीतीश कुमार जी ने कभी अपने मूल्यों से पलट कर नहीं कोई काम किया। गठबंधन में चेहरे बदल सकते हैं, मूल्य नहीं बदल सकते। मूल्य उनका सुशासन है, मूल्य उनका सामाजिक सद्भाव है, मूल्य उनका जनसेवा है, और मूल्य राष्ट्र के युवाओं के विकास का है। अगर राष्ट्र के युवाओं को रोजगार न मिले और घर घर महंगाई व्याप्त हो जाए ऐसे, और संवैधानिक जितनी संस्थाएं हैं उनके विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हो, और विपक्ष की पार्टियां जब एकजुट होंगी तो आप समझिए 303 में सिर्फ 30-33 सीट कम कर दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार बननी तो रही, और उस सरकार का चेहरा कौन होगा ये अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं। देश में उनसे बेहतर प्रधानमंत्री शायद अभी दूसरा कोई चेहरा नहीं है। मैं इतना कहूंगा, सुशासन का राज देश में स्थापित हो, देश के लोगों का विश्वास सामाजिक और संवैधानिक संस्थाओं में बने, महंगाई दूर हो, इसका एक प्रयास है। 2013 का उनका जो बयान है, मैं वैसे ही बिल्कुल पढ़ देती हूँ, सुनिए ना जो भी कहा है, सुन तो लीजिए। चाहे मिट्टी में मिल जाएं, आपके साथ नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी के बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर, मतलब वो कह रहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उसके बाद क्या हुआ? और सुनिए ना सर, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, लालू यादव जी का ट्वीट जब उन्होंने रिश्ता तोड़ा था आरजेडी से 2017 का, नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ते हैं और दो साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है, किसी को शक? तो इस तरह की तो बयानबाजी हुई है सर। अब आप कहेंगे कि नहीं, जनता भरोसा करे पूरा, ये बात तो सच है ना, इस पार्टी के साथ जाएंगे तो भी, उस पार्टी के साथ जाएंगे तो भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, बट जुबान के भरोसे की भी तो कोई एक लकीर होनी चाहिए ना। बोलिए बोलिए बोलिए, उसके बाद अजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर आपके पास। आपने कह लिया जी, अगर अगर राजनीति के रास्ते में मूल्यों के समय में अलग अलग बयान कभी आते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है तो तमाम वो शक्तियां एक साथ खड़ी होंगी जब चुनौती का पल होगा। उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि राष्ट्र में सबसे बड़ा जो संकट होगा उससे लड़ने के लिए तमाम शक्तियां, समाजवादी शक्तियां और अन्य शक्तियां यदि एक होती हैं तो इसमें दूसरों को दुख तो होना जायज है। मीडिया को भी ये परसेप्शन जरूर मिलने लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई अवसर है। ऐसा नहीं है, अवसरों की तलाश हम बेहतरी के लिए करते हैं। राष्ट्र निर्माण एक नए पद्धति पर हो, नई चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता में अवसर तो बड़ा चर्चा में रहा था, अब ये अवसर नीतीश कुमार को कहां तक लेकर जाएगा? जरा इस पर अजय कुमार जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूं, जेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता अजय कुमार जी। नीतीश बनेंगे साझा उम्मीदवार विपक्षी दलों का लग रहा है, वो कह रहे हैं काबिलियत कूट कूट कर भरी है प्रधानमंत्री बनने की उनके भीतर। वो काबिलियत की फेहरिस्त अभी गिना देता हूँ। वो उस प्रदेश से आते हैं जहाँ चूहे मिलियन डॉलर शराब पी जाते हैं थानों में, वो उस प्रदेश से आते हैं जहाँ शराब बंदी है फिर भी रोज मौतें होती हैं, आज भी हुई हैं, दिखाए हैं आप। देखिए अपने यहाँ एक कहावत है, खुरपी के बियाह में हसुआ का गीत। नीतीश कुमार, बिहार की चर्चा होनी है, बिहार का सबसे बड़ी समस्या भी देखिए, शराब से लोग मर रहे हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा? अरे भैया सुन लीजिए ना, इतनी हिम्मत है काहे घबरा रहे हैं, सुन लीजिए। तो अभी सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार में अस्थिरता, 10 साल से कोई स्थिर सरकार बिहार में नहीं मिली, तो बजाय नीतीश कुमार सांप्रदायिक हिंसा में बिहार में लोग तो कम से कम नहीं मारे जाते, उसकी जगह लिंचिंग में तो बिहार में लोग नहीं मारे जाते, इसकी बात शुरू कर आप जगह जगह लिंचिंग कराते हैं, उसमें तो बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने में नीतीश कुमार पहले स्थान पर है देश में। उनको बोलने दीजिए, एक बार एलजेपी की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा सत्य प्रकाश जी। अजय कुमार जी बोलिए। जी बिहार की जनता जो सबसे बड़ा बयान चाहती थी वो ये चाहती थी कि ये सरकार अब 2 साल अपना कार्यकाल अस्थिरता से पूरा करेगी, इस पे कोई बयान नहीं है। बयान है 24 का, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप ठीक कह रही थी, एक बार नीतीश कुमार अजमा चुके हैं, नीतीश कुमार का
मोदी जी का 5 करोड़ रुपया वापस, विज्ञापन कैंसिल, सुषमा स्वराज के साथ डिनर कैंसिल, आपको सब सुना चुकी हैं। और क्या हासिल हुआ था? 2 सीट मिली थी। नीतीश कुमार जिसके जिसके साथ दगा करते हैं, आपने सुना है ना कि ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठका नहीं, तो अब जो पारी है, अरे वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों के चक्कर में आ गए बीजेपी रिश्ते, इसलिए ज्यादा खराब हुए। और दर्शकों के लिए हम बता भी दें, अजय कुमार जी सुनिए ना, आप एलजेपी से बैठे हुए हैं, अभी तो पासवान जी की पार्टी, दोनों को मान लेते हैं एक ही चरित्र का, क्योंकि एनडीए के साथ ही हैं दोनों ही पार्टियां, एलजेपी में जो दो फाड़ हुआ है, लेकिन हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी भी जुड़े हुए हैं, एलजेपी के ही कैंडिडेट थे ना, एलजेपी के कैंडिडेट थे, फिर बीजेपी में आ गए, तो आप ही लोगों की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, आरोप तो एलजेपी पर ही ज्यादा मढ़ा जा रहा है। रामेश्वर चौरसिया जी को जोड़ना चाह रहे हैं अजय उपाध्याय जी, उसके बाद में फौरन आऊंगी। रामेश्वर जी, आप ही लोगों की वजह से तो रिश्ता टूटा है रामेश्वर जी, कि बीजेपी के लोग इधर से जा जाके उधर की कुर्सी पर बैठ कर और नुकसान किया जेडीयू को, अपना तो फायदा कर नहीं पाए, जेडीयू को नुकसान करके उधर का फायदा करा दिया। सुन लीजिए, ठीक है अजय जी, बोलने दीजिए उनको, बोल दीजिए, आप बोली, मैं सुन लिया, मैं उसी का जवाब देता हूँ। बोलिए बोलिए सर, सुनिए चित्रा जी, आपको याद है कि नीतीश कुमार जी जब हटे थे कि मोदी जी के पैरेलल खड़े होने के लिए तो 2 सीट मिला था, राम विलास जी हमारे साथ लड़े थे, 7 लड़े थे, 6 लड़े थे, उनको 7 लड़े थे, 6 पर जीते थे, हम लोग टोटल 32 पर जीते थे, जब 19 आई तो 2 उनके सांसद थे, और राम विलास जी के पास पहले नीतीश जी जाते हैं, कहते हैं कि आप तो 6 रख लीजिए, बाकी में आधा आधा बंटवारा कर दीजिए, राम विलास जी की बहुत भूमिका थी, इनको 2 के चलते 17 सीट दिया गया, हम अपने जीते हुए 5 सांसदों के काट दिए। जब विधानसभा की बात आई, रामविलास जी बोलने लायक नहीं थे, वो बेड पर थे, उन्होंने चिराग के साथ क्या धोखा किया, उनको कहे कि बीजेपी अपने कोटा से दे दे, हुआ था कि चिराग का जो 36 सीट है वो निकाल दिया जाए, फिर आधा आधा बांट लिया जाए, यही फॉर्मूला था। तो नीतीश कुमार पे कौन भरोसा करेगा, जनता कैसे भरोसा करेगा बताइए। 95 में अकेले चुनाव लड़े लालू जी को छोड़ करके, महत्वाकांक्षा इतनी थी कि 4 सीट जीते विधानसभा में, तो लालू जी पहले समझ लीजिए नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी है कहां पर, और जनता उनको दिखा रही थी काले झंडे, आप भूल गए 20 में किसी जिले में नहीं जा पा रहे थे, और मोदी जी नहीं रहते, कैंप नहीं करते बिहार में, तो हमारी सरकार नहीं बनती।